स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो होने वाली थोड़ी मजेदार, क्योंकि लेके आ गए हैं आपके लिए एक नई रोस्ट वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं रियलिटी शोज की। देर से बड़े बड़े दोस्तों, इनमें से कुछ शोज तो ऐसे रह चुके हैं जैसे मेरी पुरानी माशूका, मतलब इन पर पहले भी वार्तालाप की जा चुकी है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं बैठकर मजा आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपने पुराने माशूकाओं जैसे शोज की, जो है बिग बॉस और रोडीज। दोस्तों बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां पर कंटेस्टेंट्स नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी राइज करती है। तो लगे रे अपनी मंद बुद्धि के लिए प्रमाण मत दे मुझे, बोल फिर बात मत कर रे सामने, बताया क्या बोलना क्या नहीं बोलना। अबे कच्चे वाले, रोकने के नाम पे भांगड़ा क्यों कर रहा है, रोक। इस शो की पूरी बकचोदी इसी थीम पर बेस है कि दो लोग आपस में लड़ते हैं, फिर उनकी लड़ाई को घर वाले डिस्कस करते हैं, फिर उस लड़ाई को होस्ट डिस्कस करता है, फिर वही चूतियापे का कीड़ा हमारे अंदर घुसता है और फिर उस लड़ाई को हम लोग डिस्कस करते हैं, और जिसका चूतियापा हम लोग जनताओं को ज्यादा पसंद आता है वो शो जीत जाता है। ये चूतियापा है बिग बॉस का। बात तो सही है। दोस्तों बिग बॉस एक मिस्ट्री नोवेल की तरह है जहाँ पे सस्पेंस काफी है पर लोगों को पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, सस्पेंस है किस बात का, यही चुटकियापा है इस पूरे शो का। अच्छा दोस्तों मेरा मानना है बिग बॉस वालों को ना अपने गेट पे एक नोटिस बोर्ड लगा देना चाहिए कि बिना पागल हुए वापस आने वालों उम्मीद छोड़ दो, जिन्होंने कोशिश की है उनकी आधी जिंदगी तो बेहोश पड़ी है। तो और दोस्तों अब बात करते हैं मेरा मतलब है रोडीज की। ये शो ना अद्भुत ब्रह्मांड कांडी एक तो बायस है, आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं ये शो कितना बायस है। और फिर इसका शो का कॉन्सेप्ट ही कुछ कर्मकांडी है भैया। दोस्तों एक रोडी बनने के लिए ना आपके पास सब कुछ होना चाहिए, जिगर कलेजा फावड़ा सब कुछ, सिर्फ टैलेंट को छोड़ के। ये एक चीज है जो आपको नहीं चाहिए रोडी बनने के लिए। और दोस्तों मुझे ना इस शो के कंटेस्टेंट्स का समझ में नहीं आता भाई, वहां ऑडिशन देने वालों के धागे खोल दिए जाते हैं, इतनी गाली पड़ती है। अब एक बात बताओ, क्या यार आप वहां गाली सुनने जाते हो? तो इतना ही शौक है तो मेरे पास आ जाओ, पूरी फंड में इतनी गाली सुनाऊंगा कि सोची ना होगी, बहुत गाली है मेरे पास। दोस्तों रोडी बनना ना बिल्कुल परछाई के जैसा है, जब तक आप कुछ गलत नहीं करते तब तक किसी का सारा ध्यान ही नहीं जाता। आपने कुछ सही किया तो आपके ऊपर ध्यान ही नहीं, आपने कुछ गलत किया तो आ जाओ बेटे लपेटे में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों रोडी बनना ना सच में एक हार्ड काम है, सोचो लोगों को लगातार याद दिलाना कि आप भी एग्जिस्ट करते हो जब कुछ गलत होता है। और दोस्तों रोडी जी वो कारण है कि लोगों ने ऑटो ट्यून का निर्माण किया, जहां भी ऑकवर्ड लगे पेल दो ऑटो ट्यून। और मैं तो यार इस बात से सर में हूँ कि सोनू सूद जैसे अच्छे सर इस शो को कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कहाँ चले गए आप, कहाँ देव मोडूस और कहाँ, छोड़ यार अगले शो की बात करते। तो दोस्तों हमारा अगला शो है मिले दिल मेरा तुम्हारा तो दिल बने हमारा, नहीं समझे, स्प्लिट्स विला। दोस्तों पिछले दो शो तो फिर भी थोड़े झेले लग गए लेकिन इस शो के प्यार के मानदे ना मेरी समझ के तो परे है भाई। इस शो में क्या होता है, आओ कपल बनो, टास्क जीतो, प्यार हो गया, फेवरेट कपल बन गए, जीते, क्या बकचोदी है। और दोस्तों अगर ड्रामा कोई करेंसी होती ना तो ये स्प्लिट्स विला वाले ना इलॉन मस्क के भी बाप निकलते रुपये के मामले में। और दोस्तों स्प्लिट्स विला में प्यार ढूंढना ना स्क्रिप्टेड मोमेंट्स में अपनी जिंदगी का ट्रू लव ढूंढने जैसा है, जो आपको कभी नहीं मिलेगा। अरे कहना क्या चाहते हो, ये एक ऐसा चुतिया शो है जिसको मैं पर्सनली चाहता हूँ बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और दोस्तों ओवर एक्टिंग अगर एक स्पोर्ट होता ना तो ये स्प्लिट्स विला वाले साले गोल्ड के पहाड़ लेके बैठे होते, गोल्ड मेडल ही गोल्ड मेडल। और क्या बताऊं यार, ये शो ऐसा है ना कि यहाँ पर लव कनेक्शंस ना इसके सीजन से जल्दी बदल जाते हैं, सीजन चेंज नहीं हुआ लव कनेक्शन चेंज नहीं। और इस शो के चूतिया कंटेस्टेंट्स जो होते हैं उनका पर्सनल कोई अगर कनेक्शन होता ना तो वो होता है उनकी फुटेज, बस उनको इसी चीज से प्यार है, बाकी अगर तुम समझते हो वहाँ प्यार असली होता है तो। स्प्लिट्स विला की बकचोदी को पीछे छोड़ते हुए चलो यार बात करते हैं अपने यूट्यूबर्स के गेमिंग रियलिटी शो की, प्लेग्राउंड। ये शो ना इतना अतरंगी है कि इसका कॉन्सेप्ट मुझे कभी समझ ही नहीं आया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
पता नहीं इस साले शो में कभी क्या चल रहा है कभी क्या चल रहा है भाई। इतना इस शो को देख के ना मैं सच बताऊँ इस शो को देख के मैं इतना बोर हो जाता हूँ, इससे बढ़िया तो मैं लूप में ना कोई वीडियो देख। दोस्तों मैंने जब इस प्ले ग्राउंड शो को देखा ना तो साला मैं तो खुद कन्फ्यूजन में आ गया कि साला मैं कोई टीवी शो देख रहा हूँ या बच्चों को बोर करने का ट्यूटोरियल वीडियो। इस पूरे शो से ज़्यादा एंटरटेनमेंट ना दोस्तों मुझे चीटियों को घर बनाते हुए देखते में आ जाता है कि हाँ चलो कुछ तो बन रहा है कुछ तो मजा आता है। लेकिन इस शो की कंट्रोल कंट्रोल छोड़ यार, गाली देना नहीं चाहता, यहाँ से निकल रही है दिल से फेफड़ों से नहीं दिल से। और अगर फिर भी कुछ बोलूं तो दोस्तों ये शो ना एक मैरीगोराउंड की तरह है जहाँ कंटेंट घुमाते रहते हैं पर बिना किसी एंटरटेनमेंट के यहाँ कुछ मजा नहीं है। दोस्तों मैं कह रहा हूँ अगर लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन देन दिस शो वुड बी द रीजन फॉर द ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। दोस्तों इस शो को देखे ना मुझे इतनी बोरियत हुई कि मैंने सोचा अब जाके सौरभ जोशी के व्लॉग ही देख लूं, इससे बढ़िया तो वो ही लग जाएगा मुझे। हाँ भले ही एक ही चीज घर में परिवार में होता रहता है लेकिन कुछ तो एंटरटेनमेंट होगा। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं रोस्ट हो व्लॉग हो या क्या हो, इस चैनल पर कब क्या आ जाता है मुझे खुद नहीं पता। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं। आओ यार अपने स्प्लिट्स फिलहाल चुकी है और दोस्तों रोड़ी ही वो। दोस्तों हमारा अगला शो है मिले दिल मेरा तुम्हारा, और ओवर एक्टिंग अगर एक स्पोर्ट होता ना तो स्प्लिट्स वाले